जो फिगर एग्जैक्टली सेम होती है बच्चों, उनको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। आप बोल सकते हो, चुप रहने की कोई ऐसी जो नहीं, ठीक है? जो फिगर एग्जैक्टली सेम होती है उनको क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो हम यहां पर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? ट्राइंगल्स का, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, एक ट्राइंगल को हम किसी दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कब करेंगे, बताओ जरा, कौन बताएगा? बता सकता है कोई? कौन बोलो? जैसे ये कोई, ये कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट कब होगी? जब सारी साइड और सारे एंगल क्या हो? इसके सेम हो। इसके सारी साइड और सारे एंगल क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। अगर ऐसी कोई दूसरी ट्राइंगल हम बनाएं, ठीक है, और वो बिल्कुल इसके क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। क्या आपने उसकी साइड की लेंथ देखी थी कितनी थी? कितनी थी? कौन से 5.6? ऊपर वाली साइड वाली 5.6, और नीचे वाली साइड क्या थी? चलो कोई बात नहीं, फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप दो एग्जैक्ट सेम फिगर बनाते हैं बच्चों, और एक को उठा के आप दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो देखो हमारी तो थोड़ी कॉन्ग्रुएंट नहीं बनी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको उठा के रखते और बिल्कुल वो कवर करते दूसरे को, तो क्या कहते हैं उनको? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, अगर एक फिगर दूसरे के ऊपर आप रखते हो और वो एक दूसरे को कवर करते हैं एग्जैक्टली, तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे ट्राइंगल में नहीं बन पा रहा, स्क्वेयर में ट्राई करते हैं। मान लो ये एक स्क्वेयर है, कितना? ठीक है, ये एक स्क्वेयर है, ठीक है, ये एक स्क्वेयर है, और हम एक दूसरा भी स्क्वेयर बनाते हैं। एक दूसरा भी स्क्वेयर हम बनाते हैं, ठीक है। अब इस स्क्वेयर को हम उठा के इसके ऊपर रखें, तो क्या करेगा? इसको एग्जैक्ट कवर करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो ये दोनों फिगर कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर एक को आप उठा के दूसरी के ऊपर रखोगे तो एग्जैक्ट कवर करेगा, मतलब उनका हर डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। साइड्स की लेंथ सेम होगी, एंगल्स सेम होंगे। ऐसी फिगर्स को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, चलें आगे। हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी, कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। बच्चों, अगर किसी एक ट्राइंगल में, किसी एक ट्राइंगल में क्या हो, किसी एक ट्राइंगल, जैसे ये मैंने एक को एक ट्राइंगल ली, देख रहे हो इसके एंगल, ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल ली, और इस ट्राइंगल का हर एंगल, या ये मैंने कोई दूसरी ट्राइंगल ली, ठीक है, सपोज हमारे पास ये साइड, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ए बी साइड हमारी 4 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है, राइट, और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसकी ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, या रुक जाओ, इसकी ये साइड 4 सेंटीमीटर है। वैसे तो आपने देखा होगा बनाते हुए, हमने हमारी दोनों ट्राइंगल की सारी साइड 4 सेंटीमीटर ही है, बट मान लो हमें नहीं पता, ए बी साइड 4 सेंटीमीटर है और उधर सेकेंड जो ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड हमारी 3.8 सेंटीमीटर है,
और इस ट्राइंगल की भी ये साइड 3.8 सेंटीमीटर है। इसका ये एंगल 60 डिग्री है और इसका भी ये एंगल 60 डिग्री है। तो पहली ट्राइंगल की दो साइड दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स के बराबर है। फर्स्ट ट्राइंगल की टू साइड्स दूसरी ट्राइंगल की टू साइड्स के इक्वल है कि नहीं है? और उन इक्वल साइड्स के बीच का एंगल भी दूसरी ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है। अगर ऐसा हो कभी भी कि एक साइड के इक्वल, दूसरी साइड के इक्वल और बीच का एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट तो पता है ना आपको क्या होती है, जो एग्जैक्टली क्या हो, सेम हो। तो अगर ऐसा हो तो ट्राइंगल डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? एक ट्राइंगल की एक साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल हो, ट्राइंगल की दूसरी साइड किसी दूसरी साइड के इक्वल हो और उनके बीच का एंगल सेम हो, तो बच्चों ट्राइंगल्स क्या होती है, आपको एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट मिलेंगी। मतलब एक ट्राइंगल को उठा के दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखोगे तो वो तीनों साइड एग्जैक्ट कवर करेंगी, राइट? और ठीक है, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्राइंगल पीक्यूआर के। क्या होगा, क्या कहेंगे कि ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, एंड हम कहेंगे ट्राइंगल एबीसी किस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ। क्या कहेंगे, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, राइट? अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरी ट्राइंगल की दो साइड के इक्वल है और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, उनके बीच में कैसा एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, वो दूसरी ट्राइंगल का जो इंक्लूडेड एंगल है उसके बराबर मिलता है, राइट? तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी कि एक ट्राइंगल को आप उठा के दूसरी ट्राइंगल पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कवर होगा, राइट? और लिखेंगे आप ऐसे, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। एंड बच्चों इस रूल को कहा जाता है, जिस रूल के तहत ये, जिस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट है उसे कहा जाएगा। हाँ देखो, पहले एक साइड दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल थी, फिर उनके बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल था, और फिर जो सेकंड साइड है वो दूसरी ट्राइंगल की सेकंड साइड के इक्वल थी। तो इसे कहा जाएगा एसएएस रूल, साइड एंगल साइड रूल, या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चले आगे। उसके बाद बच्चों जो सेकंड रूल आता है देखो जरा, तो अभी हमने जो फर्स्ट किया वो तो हमने किया एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा रूल? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें एक ट्राइंगल की फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल की किसी एक साइड के इक्वल होगी, फिर फर्स्ट ट्राइंगल की सेकेंड साइड दूसरी ट्राइंगल की किसी सेकेंड साइड के इक्वल होगी, और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा। उसके बाद बच्चों सेकंड आता है हमारे पास, कौन सा रूल बताओ जरा? ए, जैसे देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, और एक दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू पी क्यू आर। इस फर्स्ट ट्राइंगल की सॉरी इस फर्स्ट ट्राइंगल का कोई एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के किसी एक एंगल के इक्वल है। जैसे कि एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों? एंगल क्यू के इक्वल है। फर्स्ट ट्राइंगल का एक एंगल सेकंड ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है, करेक्ट? अच्छा जी, उसके बाद ये सी एंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल के एंगल आर के इक्वल है, दूसरी ट्राइंगल के एंगल आर के इक्वल है, राइट? एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है, बोलो। एंड बच्चों ये साइड बी सी साइड, इन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है, बच्चों ध्यान देना इस बात को, दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड है बी सी, बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। बी सी साइड किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। देखो जरा, BC इज इक्वल टू QR, BC किसके इक्वल है? QR के इक्वल। तो ऐसे केस में भी बच्चों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर एक फर्स्ट ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है
इंक्लूडेड साइड है वो दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच में इंक्लूडेड साइड के इक्वल होता है तो ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। बोलो, रुक जा बेटा, रुक जा, अभी इतना ही समझो जितना मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे क्योंकि उसमें सारी चीजें कवर होगी, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो जरा, BC इज इक्वल टू QR ऐसे केस में, अभी अब आप जो जो केस में बता रहा हूं उन पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। BC किसके इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा, तो ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर आप ये तो देखो बाई हैंड एक रफ कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ऑब्जेक्ट आप ऐसे ट्राइंगल बनाओ जिसका एंगल B और Q बराबर हो, R और C बराबर हो और साइड भी बराबर हो, तो फिर आप देख सकते हो, ठीक है, कि ट्राइंगल्स आपको क्या मिलेंगी, कॉन्ग्रुएंट मिलेंगी। एक फिगर को उठा के आप दूसरी के ऊपर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कवर करेगा, कोई एक्स्ट्रा किसी का भी एक पोर्शन आगे पीछे एक्स्ट्रा कवर नहीं होगा, ठीक है। और इस रूल से जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है बच्चों, हम लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी, किसके कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर के इक्वल, ट्राइंगल पी क्यू आर के इक्वल। और यहां पर कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल फॉलो हुआ, बाई एंगल, देखो पहले एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल था, एंगल फिर से एक साइड बीच की साइड दूसरी साइड के इक्वल थी, और फिर एक दूसरा एंगल सेकेंड एंगल के इक्वल था, ASA रूल, क्या कहेंगे इसको, ASA रूल, क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करो, कौन सा रूल है ये, ASA रूल। चलो बच्चों नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट रूल में। देखो तो दो रूल कर चुके हैं बच्चों, कौन कौन से दो रूल बताओ, बोलो बोलो बच्चों, SAS और दूसरा ASA। अब हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, बच्चों ये दो ट्रायंगल है, अभी हम जो पढ़ के आए हैं दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल क्या है, PQR। कौन सी ट्रायंगल है ये, PQR। बच्चों इस ट्रायंगल का मान लो ये दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। इसी टाइप से दूसरी ट्रायंगल का ये एंगल है बच्चों 50 डिग्री, राइट। एंड बच्चों देखो जरा, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये एंगल क्या है, 50 डिग्री। तो फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, क्लियर है ये चीज, अच्छा ठीक है जी। और बच्चों ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों, एंगल बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। और बच्चों जो एसी साइड है वो एसी साइड किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, समझ आया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, बट हम एक रूल पढ़ के आए हैं ASA, ASA जिसका क्या मीनिंग होता है, कि ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, गुड। बच्चों हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है इस केस में, कि दो एंगल तो ट्राइंगल के इक्वल है, फर्स्ट ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, एक साइड भी दूसरी साइड की एक साइड के इक्वल है, लेकिन वो साइड उन एंगल्स के बीच की साइड नहीं है, क्या नहीं है, उन दोनों एंगल्स के बीच की साइड नहीं है, तो हम उसको बीच की साइड कैसे बनाएं। देखो बच्चों एक एंगल 60 डिग्री है फर्स्ट ट्राइंगल में, दूसरा 50 डिग्री है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। थर्ड एंगल फाइंड आउट करके देखो, 180 में से आप ये दोनों एंगल माइनस कर दो, कौन सा 60 प्लस 50 कितना होगा, 110, 70 आ गया, तो थर्ड एंगल 70 हो गया फर्स्ट ट्राइंगल का, दूसरे ट्राइंगल का भी आप अगर फाइंड आउट करते हो तो ये एंगल 70 डिग्री होगा, राइट। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं, तो उनका थर्ड एंगल भी और ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, बाई डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल है तो उनका थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इस सिचुएशन में तो देखो बच्चों एंगल ए पी के बराबर हो गया, एंगल ए किसके बराबर हो गया, पी के बराबर, और सी पहले से ही आर के इक्वल था,
सी पहले से ही आर के इक्वल था। अब देखो ये दो एंगल ए एंड सी किसके इक्वल है, पी और आर के इक्वल है, और उनके बीच की जो साइड है दैट इज ए सी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। तो पहले वाले केस से सॉरी सेकंड वाले केस से एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो गई, ट्राइंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। लेकिन फिर बच्चों उसमें तो हमने कहा था कि साइड बीच की ही होनी चाहिए, बट यहां तो बीच की साइड तो नहीं थी पहले, तो बाद में बनी है बीच में तो साइड, ठीक है। सो बच्चों जब कभी भी एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होंगे, दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल होंगे, तो थर्ड तो अपने आप से इक्वल होना ही है, तो वो साइड अपने आप से ही बीच में बन जाएगी। तो फिर हम इसको ऐसे ही कह दें कि कोई भी दो एंगल इक्वल हो, कोई भी दो एंगल इक्वल हो, फर्स्ट ट्राइंगल के दो एंगल दूसरी के इक्वल, और साइड भले ही बीच में हो या नहीं हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो बीच में हो ही जानी है, ठीक है। साइड कहीं भी हो तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, राइट। और इस रूल को बना दिया एंगल एंगल साइड, इस रूल को क्या बना दिया, राइट। उसी रूल से ये ड्राइव हो गया, कौन सा वाला रूल, एस एस ए, कि दो एंगल कहीं के भी इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो दोनों ट्राइंगल्स में, तो ट्राइंगल फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। तो ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चों, बताओ जरा, कॉन्ग्रुएंट होगी पी क्यू, पी क्यू आर के इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। और इस रूल को कहेंगे बाई ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो ये बन गया एस ए सॉरी ए एस ए एस रूल। तो तीन रूल हमने कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के अभी तक स्टडी किए हैं, क्लियर है ये चीज, ठीक है बच्चों, समझ आया यहां तक। तो तीन क्राइटेरिया हमने सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी के अभी तक पढ़े हैं, कौन सा, साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दूसरा, और तीसरे वाला क्या है, एंगल एंगल साइड, क्लियर है। अभी हम तीन करेंगे, अभी एक्सरसाइज में जाएंगे तो दो और, एक या दो और करेंगे, देखेंगे, दो सिलेबस में है, एक है मेरे ख्याल से, एक है, दो तो नहीं है अभी, आरएचएस वाला शायद सिलेबस से हट गया, ठीक है। चलो अगली एक्सरसाइज पे आ जाओ, अभी पहली एक्सरसाइज निकालो बच्चों, जरा फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखो जरा फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सी है, ये एक्सरसाइज है बच्चों 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है ये कहता है कि इन्हें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है बच्चों, क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है एबीसीडी, ठीक है बच्चों, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है एबीसीडी, ठीक है। चलो वैसा नहीं बनेगा, मैं हाथ से ही बना लेता हूं, एबीसीडी बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल दिया आपको, ठीक है, देखो जरा, देखो जरा ये क्वाड्रिलेटरल बना बच्चों, एंड साथ में हमें क्या दिया हुआ है, भी साथ में हमें ये दिया हुआ है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ठीक है, देखो इसके बारे में क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखो ए बी सी डी, ए बी सॉरी ए बी सी डी, देख रहे हो डायग्राम, सभी ने देख लिया बच्चों, हमें ये दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू ए डी, साइड ए सी देख रहे हो आप कहां पर है, ये वाली साइड, ये साइड किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, साइड ए सी किसके इक्वल दी है बच्चों, ए डी के इक्वल दी हुई है, राइट। एंड बच्चों और क्या दिया हमें, एंगल ए, ए बी जो लाइन है ना, देख रहे हो ए बी कहां पर है, ए बी लाइन इस एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, एंगल ए दिखाई दिया, यस, एंगल ए को ये लाइन बाइसेक्ट करती है, तो क्या मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं
इधर वाले एंगल को वन अज्यूम कर लूं और इसको टू। ए बी क्या है बच्चों, ए बी बताओ क्या है? ए बी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है या नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ए बी बाइसेक्टर एंगल ए का, तो ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, और हमने उन दोनों पार्ट्स को वन और टू अज्यूम किया हुआ है, तो क्या एंगल वन किस वन टू के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। अगर ए बी बच्चों एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल ए क्या होगा, सॉरी एंगल वन किसके इक्वल होगा? टू के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ए के दो पार्ट बने डिवाइड होने से, वन एंड टू। एंड अगर बाइसेक्टर का मतलब सभी जानते हैं ना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो एंगल वन किसके इक्वल होगा? टू के इक्वल होगा। क्लियर है सबको? अच्छा ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और हमने टू प्रूव क्या है बच्चों, टू प्रूव क्या है कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल एबीडी के, ट्राइंगल एबीडी के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें प्रूव करना है, क्लियर है ये चीज? ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे बच्चों, देखो जरा, ये सब तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी। अच्छा बताओ बच्चों, एक बात बताओ, इन ट्राइंगल, जब भी कभी दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, तो पहले आपको लिखना है कि आप किसको करने की कोशिश कर रहे हो। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर क्यों लिख दिया मैंने, कौन सी ट्राइंगल ए, एबीसी एंड एबीडी, एबीडी आपको ट्राइंगल समझ आए कौन कौन सी दो ले रहे हैं? सबको समझ आया ये? ठीक है शाबाश। अच्छा क्लियर है। अब एक बात बताओ, बच्चों क्या एसी साइड एडी के इक्वल है? विच रूल? कोई रूल नहीं, गिवन था क्वेश्चन में, गिवन था, गिवन है बच्चों। ये साइड में ये इंफॉर्मेशन होती है, लिखना कंपलसरी होता है, ये एक इंफॉर्मेशन नहीं लिखने का आधा नंबर कटता है, ठीक है। एसी इज इक्वल टू एडी, उसके बाद बताओ बच्चों एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्यों? एबी क्या है? बाइसेक्टर है, एबी इज बाइसेक्टर, सेक्टर ऑफ एंगल ए, एबी क्या है एंगल ए का बाइसेक्टर। एंड बच्चों एक और बात और बताओ, एबी इज इक्वल टू एबी, एबी इज इक्वल टू, अच्छा एबी फर्स्ट वाली ट्राइंगल की, ये मैं ऊपर फर्स्ट लिख देता हूं और इधर टू लिख देता हूं, एबी फर्स्ट वाली ट्राइंगल की साइड है ना, और क्या एबी सेकेंड ट्राइंगल की साइड है? यस, ठीक है, ये ए बी दोनों ट्राइंगल की साइड है, तो इसको लिखेंगे बच्चों कॉमन, कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है कॉमन। क्लियर है ये बात सबको? एक बात बताओ, हमने एक रूल पढ़ा था कि एक ट्राइंगल की दो साइड किसी दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स के इक्वल हों, और उनके बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल क्या होती है? क्यों अर्जुन, होती है कि नहीं होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है, होती है ना? तो बच्चों यहां से क्या आएगा, क्या कह सकते हैं हम ऐसा, एक साइड और ये दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल, हमारी ट्राइंगल वन, हमारी ट्राइंगल वन में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल है। कैसे? ये ट्राइंगल वन देख रहे हो ना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, फर्स्ट ट्राइंगल की ये वाली साइड इस सेकंड ट्राइंगल की इस वाली साइड के इक्वल है, एबी एबी दोनों में कॉमन है, वो एबी दोनों ट्राइंगल्स की साइड है, क्लियर है जी? और बच्चों उनके बीच का एंगल, फर्स्ट ट्राइंगल में ये एंगल वन है इन दोनों साइड्स के बीच का, इसी टाइप से सेकंड ट्राइंगल में इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या है? टू है, एबी एबी क्या है? कॉमन है, ठीक है। तो ट्राइंगल वन किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके? ट्राइंगल पी क्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, किसके? एबीडी के, एबीडी के कॉन्ग्रुएंट होगी। क्या ये सबको समझ आया? बाय विच रूल? बाय
एसएएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बाय एसएएस रूल, ये लिखना है। बीच में चार इंफॉर्मेशन जो मैंने साइड में लिखी है वो कंपलसरी होती है लिखना। समझ आया सबको? किसी को डाउट तो नहीं? चले फिर आगे। चलो ये ठीक है बच्चों यहां तक। अच्छा बच्चों एक बात और सुनो, जब भी कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है ना, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो कोई एक एंगल किसी दूसरे एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है बच्चों। कोई एक एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का, कोई एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी एक एंगल के इक्वल मिलेगा आपको। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो ए अगर कितना है हमारा 50 डिग्री है और इधर पी 50 डिग्री है, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ? पी। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ? पी। ठीक है, यहां पर जो बी एंगल है वो कितना है? 60 है। और यहां पर जो क्यू एंगल है वो 60 है, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ? क्यू। और यहां पर जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा? ये कितना होगा? 110। तो ये कितना आएगा? 70। और यहां पर भी एंगल 70 है, यहां पर सी है और यहां पर क्या है? आर। तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ? तो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर। क्लियर है बच्चे को? बिल्कुल 100%। ठीक है, तो बच्चों अगर बाद में कभी आपसे पूछा जाए कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताओ कौन सा है, तो वो आपको वही बताओगे जो उसके बराबर एंगल है। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे पूछा जाता है तो आप ऐसा नहीं बोल दोगे आर। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा बताऊं? मान लो मैं ट्राइंगल एबीसी तो ऐसे बनाता जैसे बनी हुई है, और पी क्यू आर को मैं ऐसे बना देता, पी क्यू आर को ऐसे बना देता, और यहां लिखता 60, यहां लिखता मैं 50, और यहां लिखता 70। अब आप बताओ इसमें और इसमें कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? पी। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू। बी के बी 60 है और इसका ये वाला 60 है, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू। आपको ऐसे डायग्राम को नहीं देखना है कि वो उधर लिखा है तो उधर वाला ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, नहीं, उसके इक्वल कौन सा है? तो बी के इक्वल कौन है? क्यू। तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? क्यू होगा। और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा? आर होगा। समझ आया बच्चों? इसी टाइप से साइड्स में भी रूल होता है कि देखो एंगल 50, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? पी है ना, देख रहे हो ना, और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू। तो ए बी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट ट्राइंगल में जो साइड ए बी है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होगी। समझ गए? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप पी आर मत कह देना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बीसी साइड बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है भाई? बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू। सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? तो ये बताओ बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का नाम क्या होगा? क्यू आर। बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का नाम क्या होगा? क्यू आर। क्लियर है सबको? उसके बाद देखो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? पी। और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? आर। तो ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का नाम क्या होगा? पी आर। क्लियर हुआ? ये ऐसे देख के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बताओगे। और बच्चों ये रूल होता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये तो हमने देखा कि वो ऑब्जेक्ट बराबर होती है, ऑब्जेक्ट सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता उनमें, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है तो उनके सभी एंगल्स मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए जैसे हमारे फिगर में एंगल ए किसके इक्वल है? पी के इक्वल। एंगल बी किसके इक्वल है? फर्स्ट वाले डायग्राम चलो किसी को देख लो, एंगल क्यू के इक्वल। और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स के बराबर होंगे। मतलब कौन सा किसके इक्वल होगा बस आपको वो देखना है, ठीक है। अच्छा इसी टाइप से साइड, पहली ट्राइंगल की ए बी साइड दूसरी ट्राइंगल में उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उसके बराबर होगी। जैसे हमारे केस में ए बी किसके बराबर है भाई? पी क्यू के। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। और बी सी किसके इक्वल है? बी सी किसके इक्वल है? क्यू आर के। एंड ए सी किसके इक्वल है? ए सी पी आर के इक्वल है। करेक्ट करेक्ट है ना? इन्हें कहा जाता है बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। जैसे एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर है।
एबी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पीक्यू है, बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यूआर है, और एसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पीआर है। क्लियर है ये सब बच्चों को? एंड बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट चेक कर लो कौन कौन से हैं, वो डेफिनेटली इक्वल होंगे, करेक्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखो इस लाइन को, नोट डाल के लिखो इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, नोट करो इस लाइन को, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने दो ट्रायंगल्स प्रूव किए हैं ना, और अभी अभी आपको मैंने बताया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट बच्चों। तो हमारी ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एबीडी के, तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो हमारी एसी साइड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एबी हमारी साइड लिखा भी था हमने एबी इज इक्वल टू एबी, तो एबी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो कौन होगा, एबी ही रहेगा। फिर बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, बीडी बनेगा, राइट। बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, बीडी। तो बच्चों बीसी किसके इक्वल होगा, बीडी के इक्वल होगा, बीसी साइड किसके इक्वल होगी, बीडी के इक्वल होगी, समझ रहे हैं आप इस बात को, बीसी साइड किसके इक्वल होगी, विच रूल, बाय विच रूल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसे शॉर्ट में लिखा जाता है बच्चों बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो उस रूल के अकॉर्डिंग, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बीसी बीडी के इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको, यही प्रूव करना था शायद हमें, समझ आ गया। तो यहां से बच्चों आपको एक नई इंफॉर्मेशन ये पता लगी कि जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप मान लो आपसे कोई एंगल पूछा, एक ट्राइंगल का एंगल ये दे दिया कि ये कितना है, ये भाई आपका 70 डिग्री है, और आपसे वो कोई ये वाला एंगल पूछ ले कि एंगल थ्री बताओ कितना है, ठीक है। तो एंगल थ्री, क्योंकि देखो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल थ्री भी आपका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, समझ आया, ठीक है, चलें आगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है यहां पर, एबीसी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बच्चों, एबीसी एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लो सभी, बनाओ मेरे साथ साथ, एबीसी एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, इसमें एक साइड ये है एबी, ठीक है, एक साइड कुछ ऐसे है, दूसरी साइड थोड़ा सा ऐसे है, और एक साइड बच्चों आपको दी हुई है लाइक दिस, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। एंड इस क्वाड्रिलेटरल में बच्चों दोनों डायगनल्स भी बनाए हुए हैं, सो आप भी बोथ डायगनल्स को बना लीजिए दिस, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, ठीक है बच्चों, देखो जरा। एंड बच्चों आपको और क्या गिवन है, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है और साथ में आपको दिया हुआ है, गिवन लिख लिया करो बच्चों, ठीक है ना, गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है बच्चों एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी बी ए के इक्वल है, एंगल सी बी ए के इक्वल है, एंड बाकी तो हमें बस इंफॉर्मेशन तो दो ही प्रोवाइड की है। टू प्रूव में क्या है बच्चों, टू प्रूव में क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी डी को, ट्रायंगल ए बी डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है
किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? ट्रायंगल बीएसी के, ट्रायंगल बीएसी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, बीडी को हमें एसी के इक्वल प्रूव करना है। एंड थर्ड पार्ट में बच्चों हमें एंगल एबीडी को हमें प्रूव करना है किसके इक्वल, बीएसी के इक्वल, बीएसी के इक्वल प्रूव करना है। करेक्ट, ये तीन इंफॉर्मेशन हमसे मांगी है, ये हमें प्रूव करके दिखानी है। देखो बच्चों जरा आओ जरा इधर, देखो बच्चों कैसे करेंगे। पहले तो देखो एडी, एडी साइड को देखो कहां पर है, और एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। किसके इक्वल है एडी, ये देखो ये साइड है एडी, और ये किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल। ठीक है बच्चों, अच्छा। एंड एंगल डीएबी, डीएबी कहां पर है, ये डीएबी एंगल, देखो डी पॉइंट, देखो डी ए बी, डी पॉइंट आपने देखा डी ए बी, ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल, कौन सा एंगल, डीएबी, डीएबी कंप्लीट एंगल, दिस एंगल इज डीएबी, ये कंप्लीट एंगल बच्चों किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बताओ, सीबीए के इक्वल है। सी पॉइंट देख लिया आपने कहां पर है, बताओ सी पॉइंट कहां पर है, सी बी एंड दिस इज ए, एंगल समझ आया कौन सा बनेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। ये दोनों एंगल जो मैंने अभी अभी मार्क किए हैं, ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक है बच्चों। और अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल एबीडी किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, फर्स्ट पार्ट में जो पूछा है ट्रायंगल एबीडी किसके इक्वल प्रूव करनी है, क्या आपको दोनों ट्रायंगल्स मिल गई हैं, दोनों ट्रायंगल्स मिल गई हैं आपको, क्लियर है, ठीक है, ओके। सो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पे हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? आपको क्या ढूंढनी है, किसी एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो, या तो ऐसा हो, या दो एंगल और उनके बीच की साइड, दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के इक्वल हो, ठीक है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी है। बच्चों ध्यान से देखो, मैं इन ट्राइंगल्स को फिर से बना रहा हूं, मैं इन ट्राइंगल्स को फिर से बना रहा हूं, एक साइड मैंने ये बनाई, दूसरी साइड मैंने ये बनाई, और थर्ड साइड मैंने ये बनाई, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ए बी सी जो इधर ट्राइंगल बनी है ना बच्चों, ए बी सी, उन्होंने ए बी, सॉरी ए बी डी है ये, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज डी, ठीक है बच्चों, देख रहे हो आप, तो इधर जो ट्रायंगल बनी थी ना एबीडी, मिले ट्रायंगल एबीडी मिली ना आपको, मैंने उसको दोबारा बना दिया, और बच्चों देखो इसमें एक एंगल था बीएडी, क्या आपको वो एंगल दिखाई दिया, ये वाला एंगल है, वो यही एंगल है ना, यही एंगल है ना, अच्छा एक दूसरी ट्रायंगल भी है, और वो दूसरी ट्रायंगल कौन सी है बच्चों, बीएसी, कौन सी ट्रायंगल, बीएसी, मैं इसको भी एक बार दोबारा से बना देता हूं, ठीक है, बीएसी, बीएसी देखो, तो इसको मैं बना देता हूं लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस वन इज बीएसी, बीए, दिस इज ए, एक मिनट दो बेटा, देखो बच्चों जरा दूसरी ट्रायंगल ये है, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, दिस इज, ये जो इधर ए पॉइंट है ना वही ए है ये, बट मैं दोनों को अलग अलग जगह बना रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा देखने में हो सकता है शायद ऐसा लगेगी, ये हमारा जो फर्स्ट डायग्राम था उसी के दो पार्ट, जो दो ट्रायंगल पूछी थी मैंने उनको सेपरेट बना दिया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एडी साइड, एडी साइड किसके इक्वल है, बीसी के, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड इक्वल है कि नहीं है, अच्छा अच्छा एक एंगल भी तो इक्वल था, चलो लिख लेते हैं साथ साथ, इन ट्राइंगल्स,
कौन से ट्रायंगल नाम बताओ, एबीसी, एबीडी सॉरी, एबीडी एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम बताओ। नहीं बेटा, बीएसी, ट्रायंगल बीएसी, बीएसी देखो ध्यान से, क्या एडी साइड, एडी साइड आपको दूसरे ट्रायंगल की बीसी साइड के इक्वल है? गिवन ना, क्यों इक्वल है ये? गिवन है, राइट? यस बेटे, क्वेश्चन में तो हमें देखो यहां गिवन है ना, एडी इज इक्वल टू बीसी, क्वेश्चन में तो हमें एडी इज इक्वल टू बीसी, वो हमारे, हमने इंफॉर्मेशन नहीं बनाई, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड थी क्वेश्चन के अंदर। अच्छा बच्चों, एक और इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइडेड है, क्या है वो? एंगल डीएबी, कौन सा एंगल है? फर्स्ट ट्राइंगल को देखो, मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूं, इसको सेकंड कह रहा हूं, फर्स्ट ट्राइंगल को देखो, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी किसके इक्वल है? सीबीए, सीबीए, क्या आपको डीएबी और सीबीए पता लगे कहां है? डीएबी, डीएबी, इस एंगल की बात हो रही है। सीबीए कहां पर है? देखो, सी बी और ए, ये वाला एंगल, सी बी ए, यानी कि सिंगल की बात हो रही है, ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल है, वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। ठीक है, एक एंगल भी दोनों में इक्वल है। अब अगर हमें एक ऐसी साइड इक्वल मिल जाए दोनों ट्राइंगल्स में जो उस एंगल को इंक्लूड करती हो, जो उस एंगल को इंक्लूड करती हो, मतलब इस एंगल को, जो गिवन एंगल हमारा ए पॉइंट पे जो एंगल है और इधर बी पे एंगल है, उसको इंक्लूड करने वाली एक साइड तो क्या है? इक्वल है। दूसरी साइड को चेक करो बच्चों, इस ट्राइंगल को देखो, एबीडी को देखो, इसमें इस एंगल को इंक्लूड करने वाली दूसरी साइड कौन है? एडी, एबी, एबी साइड है ना, और एबी साइड सेकेंड ट्राइंगल में भी है, ये रही देखो, तो ये साइड तो दोनों ही ट्राइंगल्स में है, तो फिर ये साइड तो बराबर हो गई। ये साइड यहां देख ले बेटा, दोनों ट्राइंगल्स की साइड है ये, वो तो मैंने डायग्राम अलग अलग जगह बना दिया। यहां पर देखो, फर्स्ट डायग्राम को देखो, यहां पर ये साइड तो दोनों ट्राइंगल्स की है, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ तो बराबर ही होगी, समझ रहे ना? अब भाई ये बताओ, अगर मैं दो स्क्वायर बनाता हूं, दो रेक्टेंगल बनाता हूं, ये साइड तो दोनों रेक्टेंगल्स की है, तो फिर ये तो दोनों रेक्टेंगल्स की ये वाली साइड बराबर हो गई। तो सेम चीज वहां पर, सेम कंसेप्ट वहां लगाओ, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड और इक्वल हो गई। कौन सी साइड? फर्स्ट ट्राइंगल की ए बी साइड। देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे एक बार इधर, इस ट्राइंगल की कौन सी साइड? ए बी किसके इक्वल होगी? नहीं 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 नहीं, ए बी के इक्वल नहीं हो गई। देखो बच्चों, ए पॉइंट पे जो एंगल है ना, वो बी पॉइंट पे है, दूसरी ट्राइंगल में वो बी पॉइंट पे है, तो इस ट्राइंगल का, पहली ट्राइंगल का जो ए पॉइंट है वो दूसरी ट्राइंगल के बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये बात समझ आई? फर्स्ट ट्राइंगल का जो ए पॉइंट है वो दूसरी ट्राइंगल के बी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और हमें यह पता ए बी साइड इस साइड के इक्वल है, तो फिर ये बी पॉइंट होगा जो दूसरी ट्राइंगल का, सॉरी फर्स्ट ट्राइंगल का, वो दूसरी ट्राइंगल के ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो यहां से साइड बनेगी आपके पास ए बी, और यहां से साइड बनेगी बी ए। नहीं बेटा नहीं, लिखने में ऐसे नहीं लिखेंगे उसको। ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसका मतलब होता है अगर आपने ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख दिया ना, तो चलो लेंथ वाइज तो वो ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग गलत हो जाता है। कैसे? उससे ये मीनिंग निकलता है कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ए है, जबकि ट्राइंगल्स में ऐसा नहीं है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ए नहीं है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? बी, राइट? इसलिए वो कॉन्सेप्ट वाइज गलत हो जाएगा। आपको ए बी इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? बी ए, रेस्ट को लिखेंगे आप कॉमन, करेक्ट? क्लियर होना ये? ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन एरर बच्चे यही करते हैं, ए बी, उनको यही बार बार समझ नहीं आ रहा होता कि ए बी इज इक्वल टू ए बी होगा या बी ए होगा, और होगा तो क्यों होगा? समझ आया ना तुम्हें इसका कारण क्या है? क्योंकि ए पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है दूसरी ट्राइंगल का? बी, और बी के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट के बी के कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड का ए है, तो इसकी साइड को लिखा जाएगा ए बी और इसको लिखा जाएगा बी ए, करेक्ट? इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब देखो
पहली ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल है, पहली ट्राइंगल की दूसरी साइड दूसरी ट्राइंगल के किसी और साइड के इक्वल है, और उनके बीच में जो एंगल है, देखो इनके बीच में है ना ये एंगल भाई, ये वाली साइड एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, एबी किसके बराबर है, बीए के बराबर है, और इन दो इस यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल, यहां दोनों के बीच के एंगल के इक्वल है। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, फर्स्ट ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के क्या हो गई, इक्वल हो गई, करेक्ट। तो कौन से कंसेप्ट से, कौन से ट्राइंगल एबीसी, एक बात और ध्यान से लिखनी है आपको, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, पहले देखो बाद में लिखना, एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है, एबीडी, सॉरी एबीडी, एबीडी, एबीडी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बच्चों आप आगे वाले ट्राइंगल को ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको ए के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, आपने पहले ए लिखा है ना यहां पर, तो यहां पर भी आपको ए के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वही पहले लिखना पड़ेगा। तो ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, बी, फिर आपको बी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, बी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है दूसरे ट्राइंगल में, ए, अब तो एक ही पॉइंट बचा है तो डी के कोरस्पॉन्डिंग वही होगा, फिर डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, सी, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, ट्राइंगल बी ए सी के, बाय विच रूल, साइड एंगल साइड रूल, विच रूल, तो ये नेमिंग आपको पहले, जो पहले वाले का तो कुछ भी नाम लिख लो, सेकेंड का नाम नाम लिखेंगे आप, नेमिंग करेंगे उसको, तो आपको कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखने हैं, फर्स्ट में फर्स्ट नंबर पे ये लिखा है तो जो ए के सेकेंड वाले में जो ए के कोरस्पॉन्डिंग है वही पहले लिखा जाएगा, बी आपने सेकेंड नंबर पे लिखा है तो इधर के ट्राइंगल में भी जो बी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वही सेकेंड नंबर पे आएगा, और फिर जो बी के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इधर भी जो बी के कोरस्पॉन्डिंग है वो आएगा, ये नाम ध्यान से लिखना है, चेक करना है कि किसके कोरस्पॉन्डिंग कौन है, अगर आपको डाउट हो तो पहले लिख लेना ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, फिर यहां से जो नाम डिसाइड करोगे वही नाम इधर से डिसाइड करना है जिस ऑर्डर में, करेक्ट, क्लियर हुआ, ऐसे करना है। चलो आगे देखो, अब हमें सेकंड फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ना, अब सेकंड पार्ट में देखो, बी डी इज इक्वल टू ए सी, अब ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, और आपको पता है कि ये वाली साइड, देखो मैं टिक लगा रहा हूं, ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, बी, यहां बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, ए, और आपका डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, बी के कोरस्पॉन्डिंग है सी, मैंने आप टिक से याद रख सकते हो, वन टिक वाले के इक्वल है, डबल टिक वाला डबल वाले के कोरस्पॉन्डिंग है, डबल ट्रिपल टिक वाला ट्रिपल टिक वाले के कोरस्पॉन्डिंग है। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बच्चों, एक साइड इन्होंने बोला है बी डी, तो आप फर्स्ट देखो कौन से ट्राइंगल में, ये बी डी साइड, बी डी साइड है बच्चों, बी डी साइड कौन से ट्राइंगल में है, थर्ड में, सॉरी फर्स्ट में, तो बी डी हमने फर्स्ट ट्राइंगल से साइड ली बी डी। अच्छा ये चेक करो, बी के कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड में कौन है, ए, सेकेंड में कौन है, ए, अच्छा डी के कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड में कौन है, सी, तो बच्चों यहां से जो बी डी साइड बनती है, ठीक है, वो यहां से कौन सी साइड बनेगी, क्यों, बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन, ए, बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन, सी, तो बी डी के कोरस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, कौन सी साइड होगी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, और यहां क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम है हमारे पास, उसकी ये रूल है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, पार्ट मतलब साइड इज ऑल्सो ए पार्ट, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, तो अकॉर्डिंग टू दैट बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्लियर हुआ यार बच्चे को, चलो आगे आगे देखो बच्चे, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये एंगल, देखो थर्ड पार्ट में, ठीक है, एंगल ए बी डी, वेयर इज ए बी डी, वेयर इज ए बी डी, ए बी डी, सभी को एंगल ए बी डी मिल गया, एंगल ए बी डी, दिस एंगल जो बी वर्टेक्स पे है, फर्स्ट ट्राइंगल का जो बी वर्टेक्स पे है, अब आपको ये देखना है कि सेकेंड ट्राइंगल में बी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, सेकेंड ट्राइंगल, टिक से ही देख लो आप, मैंने टिक लगाया हुआ है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन है,
तो फर्स्ट ट्राइंगल का ये जो एबीडी एंगल है, एंगल एबीडी किसके इक्वल होगा? एंगल डबल टिक वाले एंगल के, क्योंकि यहां का डबल टिक वाला पॉइंट इस यहां के डबल टिक वाले पॉइंट के इक्वल है। तो उसका आप नाम क्या लिख सकते हो? या तो आप उसका नाम लिख सकते हो बी ए, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? बी ए सी। ये भी किसके अकॉर्डिंग? बाई सी पी सी टी। करेक्ट, समझ आया? ऐसे करना है।